तो यहाँ है आप लोग के सामने स्कॉर्पियो एन का, स्कॉर्पियो एन Z4 मॉडल। अरे नहीं कि मैं सिर्फ सीट कवर लगा करके दिखा रहा हूँ, मैं कभी भी यूनिक काम ही दिखाता हूँ। ये इसकी अभी हेडलाइट लगेगा, देखो सारा काम जो होगा कपलर टू कपलर अपना। तो भाई गाड़ी हमारी हो चुकी है फाइनल, बिल्कुल हम बिल्कुल आपको दिखाने वाले फाइनल लुक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पुराना हमारा सामान रखा हुआ है इसका। तो ये जो बेजल है इसके अंदर फॉग लाइट लगाने का जुगाड़ नहीं आता। ना बोलो कि ये पहले ही टॉप मॉडल है भाई, टॉप मॉडल नहीं है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा दिया कि ये मैंने इससे खोल के, ये देखो टॉप मॉडल, आपको पता है पैसे इससे पता लगा। देखो बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं चामुंडा भाई के पास। क्या हाल है चामुंडा भाई? बढ़िया बढ़िया। आज क्या दिखाने वाले हो? कुछ खास? कुछ खास क्या, जो हमारे व्यूअर को पसंद आ जाए वही दिखा देंगे, वही दिखा देंगे। तो आज आपको क्या देखना पसंद करोगे? स्कॉर्पियो एक्सयूवी, उसके पीछे भी स्कॉर्पियो है, देखो वोरी ब्लैक वाली, एक एरी, एक बीच में कुछ आपको खास चीज दिखाते। चलो मेन चीज दिखाओ। तो यहाँ है आप लोग के सामने स्कॉर्पियो एन का, स्कॉर्पियो एन Z4 मॉडल। अरे नहीं कि मैं सिर्फ सीट कवर लगा करके दिखा रहा हूँ, मैं कभी भी यूनिक काम ही दिखाता हूँ कि कुछ यूनिक चीज दिखा पाऊँ। तो आपको मैं स्टार्टिंग करता हूँ यूनिक चीज कहाँ से हुआ है। आप ये देख सकते हैं यूनिक चीज, मैं पिछले वीडियो में दिखाया था ना रिप्लेसमेंट पार्ट। तो मैंने रिप्लेसमेंट पार्ट लगा दिया है, ठीक है। अभी इसके साथ ऐड होने वाला है, ठीक है। पूरा अभी काम चल रहा है, डोर वाइजर है, ठीक है। ये साइड फुटरेस इसमें आते हैं, इसमें आते कंपनी से आते हैं, Z2 में नहीं आते। अभी फॉग लाइट इसके अंदर लग रहा है, तो कल बैठक में हाथ आएगा। अच्छा आज फॉग लाइट इंस्टॉलेशन करके दिखा रहे हो, देख सकते हो क्या बात है भाई। ये इसकी बर्फ अभी हेडलाइट लगेगा, देखो सारा काम जो होगा कपलर टू कपलर अपना। ये देखो हीरा कपलर लगेगा इसके अंदर। तो काम अभी मैं दिखा रहा हूँ, सीट कवर की फिटिंग सीट कवर दिखाते हैं आपको। देखो भाई सीट कवर महिंद्रा जेन्युइन, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था तो वही सीट कवर है, ठीक है। और अब बहुत जल्द इसकी आफ्टर मार्केट क्वालिटी भी हमारे पास अवेलेबल होगी, जो हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल सीट कवर इसे एक्सयूवी में लगाते हैं, सिक्वेंशियल इंडिकेटर टेल लाइट हम इसके अंदर लगाने वाले हैं, हेडलाइट हम लगाने वाले हैं। अलॉयज इंस्टॉल हो चुके हैं इनका, रिम मेरा ठीक है। तो ये रिम वगैरह यहाँ पे रख दिए, अलॉय इंस्टॉल कर दिए, और दिखाएंगे क्या क्या होता रहेगा इसके अंदर। आपको टेल लाइट फिटिंग होते हुए दिखाऊंगा, हेडलाइट फिटिंग होते हुए दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका काम चल रहा है। तो यार जोश लाओ यार चमुंडा भाई, यार क्या हो गया, एन है भाई, एन कटी है, तोड़ फोड़ दिया, देखो कुछ भी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसके ऊपर चिपका चुपकू के जुगाड़ करने वाला हिसाब किताब नहीं, पूरा रिप्लेसमेंट, सीधा रिप्लेसमेंट काम हम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। सोनू भाई आप तो स्मार्ट लग रहे हो, कहीं जा रहे होगे पार्टी वार्टी में? चलो इधर आपको दिखाया गाड़ी के अंदर काम चल रहा है भाई। इसकी ग्रिल का क्या है स्टेटस? अभी इनको चाहिए नहीं, क्योंकि स्टेटस अभी आने वाला, ठीक है। तो ग्रिल यहाँ पे आप लोग देख लो, ग्रिल हमारे पास अवेलेबल है, बट इसके अंदर ना ये ऑलरेडी इस टाइप की आ रही है, तो टॉप मॉडल में क्रोम एक्सयूवी 700 की तरह मैट सिल्वर में आ रही है। हाँ टॉप में क्रोम आता है, टॉप में क्रोम आता है। तो ये चीज आप लोग चेकआउट कर लो, बाकी दिखा देंगे क्या क्या काम हो रहा है। कालू भाई ब्लैक स्कॉर्पियो। तो भाई अब जो हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारी हेडलाइट महिंद्रा जेन्युइन स्कॉर्पियो एंड Z8 लग्जरी वाली। ये रही हेडलाइट, तो ये हमारी हेडलाइट है, ये सब इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर, लेफ्ट राइट दोनों। ये देख सकते हो, तो ये देखो ये हेडलाइट, तो अभी हेडलाइट फिटिंग करते हुए दिखाता हूँ मैं किस तरीके से हेडलाइट फिटिंग होती है। ये देखो भाई हेडलाइट इंस्टॉल हो रही है हमारी, यहाँ लग चुकी है, बाकी फिटिंग चल रही है। सुन भाई ये है जादू है नशा है। ये देखो विद सीक्वेंशियल इंडिकेटर, लोग ऊपर ढूंढते हैं, इन्होंने नीचे कर दिया। वो पुरानी स्कॉर्पियो में यहाँ पे देख लो भाई, छत दिखा दूं, कहीं आप लोग बोलो कि टॉप मॉडल ही दिखा रहे हो। तो ये हमारी Z4 है, ये देख लो मीटर देख लो, ये स्टेयरिंग देख लो, अंदर के ये प्लास्टिक पार्ट देख लो, इन सबसे आपको पता लग जाएगा गाड़ी जो है हमारी। तो ये देख सकते हो, देख सकते हो हमारी हेडलाइट की फिटिंग, हेडलाइट इंस्टॉल हो चुकी है, लो बीम हाई बीम दोनों सही है, बढ़िया। निकालो हट जा सामने से, ये देखो इसकी लाइट और इसमें जो निकला लाइट वो ये निकला, देख सकते हो ये नहीं कि मैं Z8 दिखा रहा हूं। हां ये देख लो कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ है
इसमें सब कुछ है साथ में नीचे। तो मैं दिखाता हूँ लास्ट वीडियो इसकी, काम हो जाए और आगे वीडियो बनाएंगे ना, बस ये एक छोटी सी चीज की। कुछ भाई लोग इसमें कम ही इंटरेस्ट लेंगे वैसे। नहीं भाई, जो चीज है मैं दिखा रहा हूँ, लगवाए ना लगवाए वो आपकी मर्जी, मैं दिखाता हूँ इसको जला करके कैसा होता है। ठीक है, लगा रहे हैं हम इसके अंदर कपलर, कपलर टू कपलर, कपलर ये देखो सीक्वेंशियल इंडिकेटर। अच्छा ये बस मुझे आजा, अरे डिक्की बंद करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा फर्क फर्क इसकी टेल लाइट देखो। हाँ इधर देखो मैट्रिक्स और इसकी टेल लाइट देखो, नॉन मैट्रिक्स, नॉन मैट्रिक्स सही है, सही है। रनिंग नॉन रनिंग, पर ये टेल लाइट ना बहुत छोटी है, अगर जैसे एक्सयूवी जितनी टेल लाइट है उसमें सीक्वेंसर अच्छा लगता है, पूरा लंबा तक चलता है, इसमें छोटा ही है, इसमें छोटी है, एक्सयूवी का आधा ही है, आधा भी नहीं, एक बच्चा कोने वाला नहीं। अच्छा यहाँ तक भी है, हाँ साइड तक पूरी है, 6 इंच की। हाँ ये बढ़िया है भाई। तो भाई जब तक है ना हमारी तैयार हो रही है तब तक यहाँ पे दिखाते हैं आपको S5 एक हमारे पास S5 IV है, जो तो कि इस गाड़ी का तो मैं बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत दिन बाद आज S5 दिखा रहे हो, काया कलब भी हमने कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसी चीज में मैंने लगा दिया है कि मैं अभी वीडियो में भी शो नहीं किया। सही है कि चलो एक हेडेक हो जाता अगर वीडियो में खोल देता तो, बिल्कुल। तो इस गाड़ी के अंदर जो मेरे को मेन चीज दिखा है वो बिना सीट कवर, तो भाई हाँ इसके सीट कवर देखने लायक है। मैंने S5 तैयार किया बट ये जो सीट कवर आपको देखने को मिलेगा एक अलग ही चीज है। तो ये ना पूरा आपको XUV 700 की याद दिला देगा, बिल्कुल उसी कलर में है और वही सेम लगभग नेक्स्ट टू XUV 700 वाला जो महिंद्रा से लेदर आता है सेम वेस्ट। तो ये इनकी कार है, अभी हमारी वीडियोस देखते थे, काफी टाइम से वीडियोस देखे तब ये यहाँ पर आए। बाकी काम कैसा लगा आप लोगों को, कोई कमी पेशी? बहुत अच्छा व्यवहार लगा, बहुत अच्छा काम लगा, तभी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो सब्सक्राइब जरूर करना, स्पाई मेकर नाम से चैनल है, सब्सक्राइब जरूर। तो भाई अपने चैनल के बारे में डिटेल बताओ। हमारे चैनल का नाम स्पाई मेकर, उससे उस चैनल पे हम व्लॉग वगैरह रिलेटेड व्हीकल्स रिलेटेड वीडियो डालते हैं, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल तो नया नया चैनल बना है तो सब्सक्राइबर कम है, तो इसलिए प्लीज भाई को सपोर्ट करो, भाई की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और दिखाओ भाई को भी। तो भाई गाड़ी हमारी हो चुकी है फाइनल, बिल्कुल हम बिल्कुल आपको दिखाने वाले फाइनल लुक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पुराना हमारा सामान रखा हुआ है इसका, तो ये जो बेजल है इसके अंदर फॉगलाइट लगाने का जुगाड़ नहीं है। ना बोलो कि ये पहले ही टॉप मॉडल है भाई, टॉप मॉडल नहीं है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा दिया कि ये मैंने इससे फूल ये देखो टॉप मॉडल, आपको पता है क्या पैसे इससे पता लगा, देखो सनरूफ दिख रही है। हाँ। ये Z6 है। हाँ। और Z4। तो इंटीरियर देख लो भाई, तो बाकी आपको धीरे धीरे कवर करके दिखाएंगे, पहले आगे से हम स्टार्ट करके डिटेल दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप लोग देखने वाले हो, तो ये देख लो ये ABS गार्ड है, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो ये ABS गार्ड जो है भाई हमारा आफ्टर मार्केट है, महिंद्रा जेन्युइन है, आफ्टर मार्केट महिंद्रा जेन्युइन में हमने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था, छोटा पार्ट है। ये थोड़ा फैला हुआ लगता है और थोड़ा हैवी लुक देता है, जैसे XUV 700 के लिए आता है। हाँ तो ये देख सकते हो, ये क्या है भाई, क्रोम है अंदर। अच्छा नीचे क्रोम दे रखा है, वाह क्या बात है, मजा आ गया। और हेडलाइट देख रहे कुछ है, मेन तो हमारी हेडलाइट है भाई, ये देख लो इधर प्रोजेक्टर, हेडलाइट की बीम देखो। इधर देख सकते हो इसके अंदर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो डायनेमिक इंडिकेटर अलग से LED लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइट ही कंप्लीट आती है, इनबिल्ड है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, और ये नहीं कि मैंने एक ही बार में दोनों जलाया है, मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूं, अगर फॉग लाइट बंद करना हो तो फॉग लाइट भी बंद कर सकते हो, वो भी प्रॉपर फॉग लाइट स्विच से, फॉग लाइट अलग DRL अलग। ये देखो ये नहीं है कि कोई भी बोले इसके अंदर, ऑफ ऑन करना भाई फॉग लाइट, वो ये ना बोले कि मैंने पार्किंग मोड से ऑन किया है। ये देखो रुको ऊपर से दिखाता हूँ मैं, ये देखो और ओरिजिनल स्विच भी यहाँ से दिखा देता हूं भाई, एक बार ऑफ करो, ये लो हेडलाइट जल रही है, फॉग लाइट का प्रोजेक्टर बंद हो गया, हेडलाइट की दोनों बीम जल रही है, देखो ये देखो ये क्वालिटी, और ये ओरिजिनल स्विच से, वो मैं आपको अंदर से चेक करा दूंगा, ये ओरिजिनल स्विच। तो फिलहाल बाहर से कवर कर लेते हैं, अभी ग्रिल जो है ये नहीं चेंज नहीं है, अभी आएगी आफ्टरमार्केट, क्योंकि भैया ने जिनकी कार है उन्होंने कहा ये लाइन इसके साथ मैच कर ली है, इनको ज्यादा क्रोम नहीं चाहिए था। अब उसका मैं उदाहरण दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल में, इधर से साइड प्रोफाइल में
यहाँ पे मैंने पूरी रिप्लेसमेंट वाला पार्ट लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। हाँ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला पार्ट पूरा ग्लास के साथ आता, इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग किया। पेस्टिंग किया। डोर वाइज इनको क्रोम लाइनिंग नहीं चाहिए था। ठीक है, अरे प्लेन चाहिए और क्रोम लाइन है हमारे पास, पर क्रोम लाइन सूट कर जाता इसके साथ ना, पूरी कॉम्बिनेशन बन जाता। नहीं चाहिए, पूरी क्रोम बाउंड्री बन जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए। यहाँ तक सनसेट में मैंने महिंद्रा का ही लगाया, महिंद्रा जेन्युइन। आई पॉप इसमें आप देखोगे ब्लैक कलर मैचिंग है। हाँ, अलॉय व्हील देख सकते हो, ये इसके अंदर थे ये। हाँ, अब आप बोलोगे टॉप मॉडल वाले नहीं है। लग्जरी के अंदर 18 इंची आता है और ये 17 इंची सेम स्टॉक टायर के लिए महिंद्रा कंपनी ने निकाला 17 इंची। ये महिंद्रा का जो है आपका एक्सेसरी पार्ट है। अगर कोई बोले कि मैं टॉप मॉडल वाले लग्जरी वाले दे रहा हूँ तो गलत है, क्योंकि लग्जरी में सिर्फ आता ही 18 इंच आता है। 17 इंच अलॉय किसी मॉडल में कंपनी तो जिसके लिए आपको टायर भी चेंज करना पड़ेगा। किसी मॉडल में यहाँ तक कि इसकी 8 में भी अलॉय नहीं आने वाला है। Z8 में भी अलॉय नहीं है, अलॉय नहीं आ गए 17 एक्सेसरीज पार्ट में कि स्टॉक टायर के लिए कंपनी ने निकाला है। जिस भाई को चाहिए महिंद्रा ओरिजिनल अलॉय तो ले सकते हैं, महिंद्रा आप कंपनी से परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक चीज अलग देखो, इसे हम कहेंगे जहर की पुरिया। ये भी हेडलाइट भी जहर की बुढ़िया, ये भी जहर की बुढ़िया, ये सब कहेंगे जहर की बुढ़िया। अब बोलोगे ये जहर की बुढ़िया क्यों? मैट्रिक्स इंडिकेटर है, ये पुराने वाला मैंने हटा दिया, ये पुराने वाला हटा दिया। इसके अंदर आपको सिर्फ मैट्रिक्स इंडिकेटर मिल जाएगा और ये टेल लाइट हमने इसकी चेंज कर दी है बिल्कुल, और पीछे से एक कैमरा लग गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कैमरा है। बाकी जो भी काम हुआ वो अंदर अंदर चलते हैं, तो आपको लेके चलते हैं अंदर। मेन आपको दिखाएंगे अंदर, इसके अंदर क्या जादू करा हमने। तो ये अंदर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एम्बियंट लाइट। उसके बाद ये कितने पीस वाली एम्बिएंट लाइट लगाई है इसके अंदर? 18 पीस एम्बिएंट लाइट आप गिन सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छा 2। अरे छोड़ो यार, 18 तुमने बोल दी तो 18 ही है, बात खत्म। टाइम वेस्ट करने के गिनेंगे तो बैठ के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 70 मैट जो कि काफी बहुत बढ़िया लग रहा है इसके इंटीरियर के साथ मैचिंग में। और ये कॉफी कलर का इंटीरियर, तो कॉफी कलर का ही मैट हमने इसके अंदर लगाया जो कि गाड़ी के इंटीरियर लुक को चार चांद लगा दिया। यहाँ पे बेज कलर दिखेगा तो धागा भी बेज कलर। ये स्पेशली स्कॉर्पियो एन के लिए। तो इधर आप लोग देख सकते हो महिंद्रा जेन्युइन बकेट फिटिंग सीट कवर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है जो कि प्योर लेदर में है ना। नहीं, कंपनी से भी लेदर नहीं है, महिंद्रा जेन्युइन लग्जरी में। हाँ, महिंद्रा ने सिलाई भी प्लास्टिक में करी है। डाई है। बहुत बढ़िया। बाकी आपको अगर ये चीज चाहिए लेदर में तो इसको सॉफ्ट टच लेदर इसको कर सकते हैं, जैसे ये हमने सॉफ्ट टच करा है तो वैसे ये सेम चीज सॉफ्ट टच नहीं होता। बाकी मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है क्योंकि देखने में लेदर ही लग रहा है दूर से। बाकी अगर किसी की अपनी चॉइस है तो आप वो चीज करवा सकते हो, कोई मना नहीं है भाई उसके लिए। ठीक है, ये अपना स्टीयरिंग रैप हो गया। मैं आपको स्टीयरिंग रैप दिखाऊं तो इधर से आप लोग देख सकते हो हमारा स्टीयरिंग कवर जो कि प्रॉपर हमने Z8L वाला स्टिचिंग करी है इसके अंदर प्रॉपर। जैसे इस गाड़ी के अंदर यहाँ वाला पार्ट नहीं चेंज हुआ है, मिरर चेंज नहीं हुआ और ये सिल्वर पार्ट नहीं चेंज हुआ। कौन सा? हाँ, ये डोर वाला। ठीक है, बाकी हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। तो ये भैया को इतनी ही रिक्वायरमेंट थी तो हमने इनको जितनी की रिक्वायरमेंट, हमारे पास सारा क्रोम के पार्ट भी रखा हुआ है, भैया को नहीं चाहिए था इसलिए नहीं लगाए। जिस भाई को चाहिए सारे क्रोम के पार्ट लगवा सकते हैं, इधर पियानो ब्लैक लगवा सकते हैं, इधर सब जो भी हो सारा लगवा सकते हो मेरे पास। बिल्कुल भाई, तो आप आराम से आओ, काम करो भाई। बट एक बात बताओ यार, गाड़ी यार अलग ही चीज है महिंद्रा की, मतलब 15-15 लाख रुपए के बजट में आपको इतनी प्रीमियम गाड़ी मिल रही है। स्टार्टिंग में गाड़ी देखने गए थे तो हम बोले थे यार नहीं यार, स्कॉर्पियो है, बट एन अब पता लग रहा कि एन है। एन है भाई, कोई चीज है जो महिंद्रा ने कुछ करा है ना, कुछ सोच समझ के करा है। बिग डैडी नाम डाला तो है, जैसे है सुनो, जैसे पहले स्टार्टिंग में एक्सयूवी के लिए लोगों ने सोचा था लग्जरी में मजा नहीं है, ये नहीं है, वो गाड़ी की अलग ही अलग लुक है। बिल्कुल, वो लग्जरी में आ जा रही है और ये एकदम है ना हार्ड में, और मतलब ये ऑफ रोडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। मेन ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी, ऑफ रोडिंग ट्रिप पे जाना है आपको, मेन लग्जरी भी इसके अंदर आ गया। तो सारे लग्जरी फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हमने हाइपरसोनिक का रियर व्यू कैमरा और फ्रंट डैश कैमरा वाला ये मिरर हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया, जिसमें ये देख सकते हो यहाँ पे डैश कैम भी मिलेगा। रोड पे आजकल ना बहुत जरूरी है क्योंकि पापा की परिया स्कूटी लेके उड़ती हुई जाती है, और आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है ताकि प्रूफ आपके पास रहे भाई, मजाक साइड करके, बट ये आज की डेट में बहुत जरूरी है ताकि आप किसी को कुछ एविडेंस दिखा सको। रोड सेफ्टी के लिए काफी सही चीज है, तो ये आप जरूर इंस्टॉल करवाना। बाकी और क्या, रिवर्स कैमरा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ रिवर्स भी चल रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा ना भाई यहाँ से पीछे हमारा। अच्छा अच्छा, छोटा सा है। तो दोस्तों गाड़ी आप लोग ने चेकआउट कर ली, हमारे भैया भी है, क्या नाम है आपका? मैं कंकन राजू।
ओके, तो भैया दिल्ली से ही है हमारे। सो भैया ने यूट्यूब पे वीडियो देखी तब हमारे पास आप आए हो यहाँ पे, है ना? बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा काम करवाया, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है। आपकी गाड़ी देख के दिल आ गया मेरा कि आप तो एन चाहिए। बोलो भाई, आप भी बोलो, आपकी परमिशन हो। बिल्कुल भाई, बोलो बोलो। फर्स्ट टाइम इंडिया भैया की गाड़ी है जिसमें हेडलाइट और फॉग लाइट। हेडलाइट और फॉग लाइट सबसे बड़ी बात ना भाई, आपने और वीडियोस में ये चीज देखी होगी कि लोगों ने सामान दिखा दिया कि हाँ हमारे पास डब्बे रखे हुए हैं। पहले दिखा रखे हैं भाई, हमारे पास Z8L होके काफी जा चुके हैं, काफी गाड़ी में हमने काम कर रखा है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया इसे हम बोलेंगे, फर्स्ट टाइम इन इंडिया बोलेंगे, प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे लाइट फॉग लाइट फिटिंग करके इंस्टॉल करके, ठीक है। और हाँ, एक लाइट टेल लाइट भी है पीछे, फर्स्ट टाइम भूल गए हम, ठीक है। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह तो सब होता है, अलॉय व्हील देख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट टाइम फिट किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करा सकते हो, जो भाई को आना हो वो आप बिल्कुल आंख बंद करके आ सकते हो जोटो रामा रोड पे। अगर जिस भाई को करोल बाग में जाना हो, करोल बाग में भी जोटो हमारा, वहां भी आ सकते हो, वहां पे भी ये सामान आपको मिल जाएगा। तो टोटली हमारा दो काउंटर है, करोल बाग ही रामा रोड, आपको इनका कोई भी प्रोडक्ट चाहिए कॉल करो, बेझिझक आप लोग पहुंचो, लोकेशन ले लो, जहां आना जहां सूटेबल रहेगा वहां बुला लेंगे। और भैया बाकी सब तो भैया बताएंगे, क्या मेन भैया से जान लेते हैं, भैया आपका एक्सपीरियंस अच्छा कैसा था? हुआ यहाँ पर आके तो मुझे सारे पार्ट्स मिल गए, और आगे भी कोशिश करूंगा और भी लोगों को बुलाने के लिए। हाँ जी सर, और मैं भी आऊंगा यहाँ पर, और गाड़ी में और अपग्रेड जो जो होता रहेगा भैया मैं धीरे धीरे कराता रहूंगा, जो जो मतलब वीडियोस में अपडेट आता रहेगा भैया आएंगे और काम करेंगे। नहीं लग रहा था कि फॉग लाइट लग पाएगा, सही में आपने गाड़ी ली और काफी अच्छी गाड़ी, और ये दो साल की वेटिंग पहुंच गई सुनने में ऐसा, दो साल तक लोग वेटिंग कर रहे और आपके पास गाड़ी आज की डेट में, तो रोड पे मतलब फिटिंग भी, हाँ गाड़ी इनको मिली और उसके बाद इसमें काम भी इन्होंने करा लिया, तो काफी अच्छा लगा भैया आप लोग सबसे मिलके, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग आओ काम कराओ, ये हमारा महिंद्रा का वेयर हाउस है, महिंद्रा का वेयर हाउस है, जहां तक नजर जाएगी वहां तक महिंद्रा, महिंद्रा की गाड़ियों का काम करे, ये लेकर आओ, थार करते हैं, अब स्कॉर्पियो करेंगे, तो ये लेकर आओ और ये लेकर जाओ, बाय बाय।